हेलो दोस्तों, VCE कंप्यूटर एक्सपर्ट्स में आप सबका स्वागत है। आज मैं आपको फोटोशॉप में ग्लास इफ़ेक्ट बनाना सिखाऊंगा, जिससे कि आप जैसे आज हम विंडो 10 का एक वॉलपेपर बनाएंगे, जिसके ऊपर हम अपने कंप्यूटर सेंटर का ग्लास का बना हुआ लोगो भी लगाएंगे। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले फोटोशॉप को ऑन करके एक न्यू पेज लीजिए, ठीक है। पेज का साइज आपको अपने वॉलपेपर के हिसाब से लेना है। आपके HD में बनाना चाहते हो, फुल HD में बनाना चाहते हो, उसी हिसाब से आप इसका साइज और रेजोल्यूशन रखिएगा। उसके बाद यहाँ पे टिक करके आप ग्रेडियंट टूल ले लो, और ये रहा ग्रेडियंट का कलर। हमें ये वाले दो कलर लेने हैं, एक ये वाला और एक ये, ठीक है। एक थोड़ा ब्लू है और एक ये वाला लाइट ब्लू कलर। जस्ट ओके कीजिए। फिर यहाँ पर ऑप्शन है कि आपको लाइन के लीनियर लगाना है, रेडियल लगाना है। तो हम रेडियल में क्या करेंगे, ऐसे यहाँ पे लाइन खींच के इसके ऊपर रेडियल कलर फिल कर देंगे, तो इस तरह से दिखेगा। उसके बाद जो भी आपने लोगो डाउनलोड किया है या फिर बनाया है, चाहे वो कॉरल ड्रा में बना के PNG में एक्सपोर्ट किया हो या फिर फोटोशॉप में बनाया है, तो उसकी आपको यहाँ पे एक लेयर रखनी है। जैसे मैंने एक बनाया हुआ है अपने कंप्यूटर सेंटर का, ये लोगो बनाया है, ठीक है। और ये PNG फॉर्मेट में है, बैकग्राउंड अलग है, लेयर अलग है। तो मैं ऊपर वाली लेयर को यहाँ पे ले आऊँगा, इसको बंद कर देता हूँ, ठीक है। फिर शिफ्ट प्रेस करके कॉर्नर से जितना भी आपको साइज छोटा बड़ा करना है करके उसको रख लो। जैसे मेरे को इसी साइज के ऊपर इफेक्ट लगाने हैं, तो इफ़ेक्ट लगाने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे लेयर स्टाइल में भी इफ़ेक्ट लगा सकते हो, और उसके अलावा यहाँ पे भी शॉर्टकट पड़े होते हैं इफ़ेक्ट के लिए। जैसे ब्लेंडिंग ऑप्शन के ऊपर टिक करूँगा, बेवल के ऊपर टिक करूँगा, तो लेयर स्टाइल में भी यहाँ पे ब्लेंडिंग, बेवल सब कुछ है। ब्लेंडिंग के ऊपर गए, सबसे पहले तो इसका जो फिल कलर है वो आपको बिल्कुल हटा देना है, क्योंकि हमें ग्लास का लुक देना है। तो जो उसका कलर है बिल्कुल ज़ीरो कर देना है, ठीक है। कैपेसिटी को हम बाद में घटाए बढ़ाएंगे। और उसके बाद आपको इसका बेवल ऑन करना है। जैसे ही आप बेवल ऑन करोगे तो ये वाली सारी कमांड्स हैं, ठीक है। ये डेप्थ कमांड है, इस समय 100 है, मैं 125 इसकी डेप्थ कर देता हूँ। और ये साइज वगैरह है, साइज 5-6-7 जितना भी आपको रखना है आप अपने हिसाब से उसको एडजस्ट कर लो। जो एज सॉफ्ट हैं, एज सॉफ्ट करने से क्या होगा, उसकी जो वाइटनेस है वो कम हो जाएगी, तो मैं सॉफ्टनेस नहीं करूँगा। और ये इसके एंगल है, किस एंगल से लाइट पड़े, ठीक है, ये वाले आप यहाँ से चेंज करके लाइट की एडजस्टमेंट कर सकते हो। और उसके अलावा ये कॉन्टूर्स हैं, ठीक है, ये वाला आपको इफ़ेक्ट लगाना है, ये लगाना है, ठीक है। यहाँ से आप अपने इफ़ेक्ट लगा सकते हो। जैसे मान लो यही वाला लगा देता हूँ, ठीक है। आप ये वाला भी लगा सकते हो, ये भी बेटर है, जो भी आपको, जैसे यहाँ इसमें वाइटनेस ज़्यादा है, इसमें थोड़ी कम है, तो वो भी आप सेट कर सकते हो, ठीक है। यहाँ से आप इसकी कैपेसिटी बढ़ा घटा के उसकी जो ग्लॉस है वो कम ज़्यादा कर सकते हो, ठीक है। मान लो इसी ग्लॉस में मेरे को रखना है। और इसके बाद ये इसकी कॉन्टूर वैल्यू है, और भी एज शार्प करने हैं, लाइट करने हैं, ठीक है। जितने भी आपको शार्प लाइट करना है यहाँ से आप उसकी एडजस्टमेंट कर सकते हो। हमें ये 70-80 के करीब रखनी है, चलो 80 रख लेते हैं। और ये भी, इसमें भी रेडीमेड ऑप्शन होते हैं, ठीक है। आप इसको एडिट करके, ठीक है, कम ज़्यादा कर सकते हो। देखिए जिस हिसाब से आपको ठीक लगे वहाँ पर जाके इसको एडजस्ट कर दो। ठीक, ये हमारा इफेक्ट लग गया है। हल्का सा इसको ड्रॉप शैडो से शैडो दे दो। और यहाँ पे तो मल्टीप्लाई रखना है, ये उसकी शैडो की डिस्टेंस है, और ये थोड़ा स्प्रेड है, कितना इसको फैलाना है, ये थोड़ा साइज होता है, शैडो का साइज कितना रखना है, ये कॉमन सा रखना है आपको ऐसे ही, ठीक है, ज़्यादा नहीं करना है। उसके बाद ब्लेंडिंग ऑप्शन में चले जाओ, और ये उसकी ओपेसिटी है लेयर की,
इसको थोड़ा कम ज़्यादा करके आप ऐसे एडजस्टमेंट कर लो जितना भी आपको ग्लॉस चाहिए। तो मान लो मैं इसको 80 के ऊपर सेट कर देता हूँ। तो देखिए दोस्तों, ग्लास का इफ़ेक्ट हमारे लोगों के ऊपर आ गया है। अब आप इस लेयर को इस कलर के ऊपर लेके आओगे तो उसकी बैकग्राउंड का कलर इसमें दिखेगा, ठीक है। अगर ब्लू के ऊपर लेके आओगे तो ब्लू वाला दिखेगा। ये हमारा इफेक्ट बन गया। उसके अलावा अगर कोई और टेक्स्ट आप रखना चाहते हो तो उसको लिख के, जैसे मान लो कंप्यूटर सेंटर की वेबसाइट के बारे में लिखता हूँ, www, थोड़ा साइज छोटा कर लेते हैं यहाँ से, www.vcecomputer.com। तो ये हमारे कंप्यूटर सेंटर की वेबसाइट है, ठीक है। इसको यहाँ पे रखो, साइज वगैरह आप मैनुअली भी एडजस्ट कर सकते हो, कम ज़्यादा कर सकते हो, एडजस्टमेंट जैसे भी आपको ठीक लगे। अब मान लो इसके ऊपर भी मेरे को सेम इफ़ेक्ट देना है तो मैं दोबारा नहीं बनाऊंगा। तो ये जो मैंने लेयर के ऊपर इफ़ेक्ट लगाया है, यहाँ स्टाइल में जाके उसकी कॉपी कर लूँगा, कॉपी लेयर स्टाइल। अब ये वाली लेयर सेलेक्ट करके इसके ऊपर मैंने वो पेस्ट कर देना है। तो लेयर स्टाइल में गया, फिर यहाँ लिखा ना पेस्ट लेयर स्टाइल, तो जो ऊपर स्टाइल लगाया है वही स्टाइल इसके ऊपर भी पेस्ट हो जाएगा। ठीक है, देखिए अब यहाँ पे विंडो लगाना है तो नेट से आप कोई भी विंडो डाउनलोड कर लो, ठीक है। जैसे ये वाली भी मैंने डाउनलोड करके रखी है और एक ये वाली है, आप इनमें से कोई भी उठा सकते हो। चलो ये वाली अपन इसके ऊपर एडजस्ट करते हैं। तो कंट्रोल नीचे इसके ना आइकॉन आ रहे हैं तो मैं खुद सिलेक्शन कर लेता हूँ फिर, ठीक है। ये रही सिलेक्शन, ध्यान रखें जब भी आपने सिलेक्शन करना है तो इसकी सिलेक्शन को थोड़ी सी फिदर वैल्यू देनी है। कंट्रोल डी से इसको बंद कर देता हूँ। यहाँ पे मैं थोड़ी सी फिदर वैल्यू दे देता हूँ, 5 की फिदर वैल्यू दे के सिलेक्शन कर लेना है ताकि नीचे वाले मेनू साथ में ना आए, ठीक है। इसको कंट्रोल सी कॉपी और इसके ऊपर जाके कंट्रोल वी पेस्ट कर दो। अब इसकी एडजस्टमेंट कर लो यहाँ पे, जैसे मेरे को यहाँ पे इसका लोगो एडजस्ट करना है, ठीक है। साइज आप थोड़ा बड़ा छोटा अपने हिसाब से एडजस्ट कर लो, जितना भी आपको चाहिए। उसके बाद इसमें भी क्या होता है, इसके भी मोड हैं। जैसे इसके मोड में मैं इसको स्क्रीन मोड में करता हूँ तो देखिए ये थोड़ा स्क्रीन के साथ मिक्स हो गया है। और इरेजर टूल लेके यहाँ से इसका एक सॉफ्ट ब्रश लेना है जिसके कॉर्नर सॉफ्ट हों बिल्कुल। कैप्स लॉक ऑफ कर दो तो आपको ब्रश दिखेगा। थोड़ा साइज बड़ा करके यहाँ पे इसको ऐसे मिक्सअप कर देना रे के साथ। सेम टू सेम नीचे वाला भी आपको ऐसे मिक्सअप कर देना। बस ब्रश का जो एज है ना वो बस सॉफ्ट रखना है और कुछ नहीं। और इसके ऊपर आपको इमेज एडजस्टमेंट जाके ये ब्राइटनेस कंट्रास्ट लेवल वगैरह हैं तो आप इसके लेवल में से इसकी सेटिंग कर सकते हो कि आपको कैसा दिखना चाहिए, ब्राइटनेस कितनी चाहिए, ठीक है। ऐसे जैसे ये एडजस्ट होगा इसको आप ओके करेंगे तो देखिए विंडो 10 का एक ट्रांसपेरेंसी वाला ग्लास इफेक्ट वाला वॉलपेपर तैयार है।
तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज़ इसको लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों।